आज हम बात करेंगे एल्बेंडाजोल के बारे में। एल्बेंडाजोल का उपयोग क्या है, इसका अलग अलग पशुओं में जैसे गाय भैंस भेड़ बकरी और डॉग एंड कैट में इसका डोज रेट क्या है, क्या इसे गाभिन पशुओं को देना चाहिए अथवा नहीं देना चाहिए, तो चलिए शुरू करते हैं। एल्बेंडाजोल ये इसकी जो कैटेगरी है वो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंथेलमेंटिक्स, यानी कि यह एक कृमिनाशक दवा का समूह है जो कि फ्लूक टेप वर्म राउंड वर्म इन सबको मारता है। इसकी क्लास बेंडिमिडाजोल है। एक्शन की बात करें तो एल्बेंडाजोल जो पैरासाइट पेट के अंदर हैं उनके ट्यूलिन के पॉलीमराइजेशन को इनहिबिट कर देता है, ब्लॉक कर देता है, जिससे कि ग्लूकोज अपटेक जो है वो पैरासाइट के द्वारा नहीं किया जाता है और एनर्जी लेवल कम होने से पैरासाइट की डेथ हो जाती है। एल्बेंडाजोल वर्मिसाइडल लार्विसाइडल और ओविसाइडल है। इंडिकेशन, एल्बेंडाजोल का इस्तेमाल हम पशुओं में होने वाले नीमेटोड ट्रीमेटोड और सिस्टोड के इन्फेक्शन में करते हैं। नीमेटोड का मतलब हुआ राउंड वर्म, जिसे हम गोल कृमि के नाम से जानते हैं, उदाहरण के लिए एस्केरिस और हुकवर्म। ऐसे ही ट्रीमेटोड जिसे हम आम बोलचाल में फ्लूक्स कहते हैं, उदाहरण के लिए फेसियोला सिस्टिसोमा। सिस्टोड जिसे हम आम बोलचाल में टेप वर्म या फिर फीटा कृमि के नाम से जानते हैं, जैसे कि टीनिया टीनिया सोलियम या टीनिया सेजिनाटा। अब हम बात करेंगे एल्बेंडाजोल के डोज रेट के बारे में। कैटल हॉर्स शीप गोट और पिग में यह 5 से 10 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है सिंगल डोज ओरली। अगर हम बात करें डॉग एंड कैट की तो यह 25 से 50 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है 3 से 5 दिन तक ओरली। पोल्ट्री में एल्बेंडाजोल 10 से 50 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है 3 से 5 दिनों के लिए ओरली। कंट्राइंडिकेशन, एल्बेंडाजोल कब नहीं देना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एल्बेंडाजोल जो है ये टेरेटोजेनिक इफेक्ट करता है, यानी ये एम्ब्रियो टॉक्सिक होता है जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है। जैसे मान लीजिए गाय है, उसका गर्भकाल 9 महीने होता है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब है कि पहले शुरू के 3 महीने में, यानी शुरू के 3 महीने में एल्बेंडाजोल का इस्तेमाल प्रेग्नेंट गाय भैंसों में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर शीप गोट या काऊ है तो इसके केस में 45 दिन, यानी जब वो कंसीव कर रही है उसके शुरू के 45 दिन में एल्बेंडाजोल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एम्ब्रियो टॉक्सिक होता है, एबॉर्शन कर सकता है और या टेरेटोजेनिक इफेक्ट भी इसका देखा गया। टेरेटोजेनिक इफेक्ट का मतलब हो गया कि जब डेवलपमेंट होता है बच्चे का उसमें माल फॉर्मेशन यानी विकृति पैदा कर सकता है, इसलिए इसको प्रेगनेंसी के शुरू के दिनों में अवॉइड करना चाहिए या नहीं देना चाहिए। साइड इफेक्ट की बात करें तो इसमें बोन मैरो का डिप्रेशन कर देता है डॉग एंड कैट में। इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ जो हीमेटोपोइटिक सेल्स होती हैं, जो आरबीसीज वगैरह होती हैं, उसको ये कम कर देता है, जिससे कि अनीमिया हो जाता है। ल्यूकोपीनिया और थ्रोम्बोसाइटोपीनिया डॉग और कैट में देखा जाता है। ल्यूकोपीनिया का मतलब है कि वाइट ब्लड सेल्स की जो संख्या है वो कम हो जाती है, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया में प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है। इसका मतलब सीधे सीधे ये हुआ कि जो बीमारी से लड़ने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है, डिजीज फाइटिंग सेल्स कम हो जाती हैं ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट, इसलिए डिजीज रेजिस्टेंस कम हो जाता है। एनोरेक्सिया देखा गया है, जिसमें पशु की भूख मर जाती है या वो कम खाता है। पशु कभी कभी लिथार्जी, कमज़ोर, बहुत थका थका सा दिखता है, ये इसके साइड इफेक्ट है। अवेलेबिलिटी की बात करें तो यह टैबलेट बोलस पाउडर सस्पेंशन के फॉर्म में अवेलेबल है। टैबलेट जो है 150 mg का अवेलेबल है मार्केट में, बोलस 1.5 ग्राम और 3 ग्राम का अवेलेबल है, और पाउडर फॉर्म जो है वो 30 ग्राम 300 ग्राम और 500 ग्राम के पाउच में अवेलेबल है मार्केट में, अलग अलग नाम से आता है। सस्पेंशन 30 ml, 60 ml, 90 ml, 100 ml, इवन 500 ml की बोतल भी आती है। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।